बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की. जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन किया था कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है. यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है, कंजर्वेशन का जो लॉ है वो होल्ड करता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में फॉर द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब वन डायमेंशन का क्या मतलब है. वन डायमेंशन जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल यानी कि जो थ्री हम डायमेंशंस बताते हैं यानी कि एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी जो हम थ्री डायमेंशंस बताते हैं और उसके अलावा हमारे पास एक टाइम की डायमेंशन भी आ जाती है. लेकिन अगर ओरिएंटेशन के लिहाज से देखें तो एक्स वाई जी हमारे पास थ्री डायमेंशंस हैं. उनमें अगर हम एक डायमेंशन में यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स की बात करती हूँ, एक डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास जो कोलिजन होगी यानी कि एक्स एक्सिस में जो बॉडीज टू बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो वो हमारे पास एक वन डायमेंशनल केस होगा. यानी कि आप एक एक्सिस पे ही दो बॉडीज को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो उस केस के लिए हम जो है वो देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं. उसके लिए हम स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं. ठीक है, जिस तरह से यहाँ एक मैंने एक येलो कलर से बॉल बना दी है और एक मैं पर्पल कलर से शो कर देती हूँ. ठीक है, ये मेरे पास दो बॉल्स आ गए. अब इन दो बॉल्स का जो हमारे पास मैसेज हैं स्टूडेंट्स वो जो है वो हमारे पास एक का मास m1 है और एक का मास m2 है. ठीक है, अब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं जिनके साथ ये अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रही हैं वो है v1 और v2. v1 एंड v2 जो है वो इसकी वेलोसिटीज हैं और ये मैं ये कहती हूँ कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है. यानी कि एक डायमेंशन में दोनों मूव कर रही हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. ठीक है, आफ्टर कोलिजन यानी कि ये तो आपने बिफोर कोलिजन की बात की. ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बिफोर कोलिजन जो हमारे पास केस था वो इस तरह से था कुछ. ठीक है, बिफोर कोलिजन हमारे पास कुछ ये केस था. अब आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास कुछ इस तरह का सिलसिला बना है कि हमारे पास ये जो येलो बॉल है ये और हमारे पास जो दूसरी सेकंड बॉल थी वो हमारे पास पर्पल कलर से हमने शो की थी, ये मेरे पास सेकंड बॉल आ गई. ठीक, अब इनकी जो मैसेज हैं यानी कि m1 और m2 मैसेज के साथ ये इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा आफ्टर कोलिजन. ठीक है, और लेकिन ये सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन यानी कि टकरा के आपस में. फिर उनकी जो वेलोसिटीज में कुछ चेंज आया है. ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है उस मतलब कि उनकी वेलोसिटीज जो है कुछ की ज़्यादा होगी कुछ की कम होगी डिपेंड्स. ठीक है, लेकिन उनकी वेलोसिटीज जो है वो हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम से डिनोट किए हैं यानी कि उनमें कुछ ना कुछ चेंज आया है. और ये आफ्टर कोलिजन की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिख भी देती हूँ आफ्टर कोलिजन. ठीक है, यानी कि टकराने के बाद जो है उन्होंने वही सेम डायरेक्शन जो है वो टेन किए यानी कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं और ये हमारे पास केस होगा वन डायमेंशनल केस. ठीक, यानी कि कोलिजन इन वन डायमेंशन होगा. अब अगर हम जो है हम जानते हैं कि हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हर केस में होल्ड करता है चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या फिर वो इन इलास्टिक कोलिजन हो. ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास दोनों केसेस में जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो होल्ड करता है. ठीक है, तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली जो है इक्वेशन लिखूं इन केसेस के लिए यानी कि m1 और m2 मैसेज के लिए तो स्टूडेंट्स वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि m1 v1 ठीक है प्लस m2 v2 मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है फॉर मास m1, ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है फॉर मास m2. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है और इनके फाइनल मोमेंटम क्या होंगे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये इनके फाइनल मोमेंटम होंगे. ठीक, अब इसी तरह अगर मैं इसी चीज़ को जो है वो किस तरह से लिख सकती हूँ, इसी इक्वेशन को अगर मैं m1 वाली टर्म्स जो है एक तरफ कर दूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि माइनस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2. ठीक है, ये मैंने क्या किया है m1 और m2 की टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर लिया. अब क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स इस केस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूं मैं इस केस के लिए तो वो मैं किस तरह से लिख सकती हूं, वो मैं इस तरह से लिख सकती हूं कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ m1 b1 का स्क्वायर प्लस
हाफ एम टू वी टू का स्क्वेयर, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई फॉर मास एम वन, और ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई फॉर मास एम टू, ये मेरे पास बराबर हो जाएंगी किसके, हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर मास एम वन और फॉर मास एम टू, यानी कि एम वन वी वन प्राइम का स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू वी टू प्राइम का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स के आगे के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के जरिए मैंने ये चीज लिख दी। अब अगर हम देखें कि अब मैं इसके इसको मजीद किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, यानी कि इस केस के लिए मैं अब मैं जानती हूँ कि मेरे पास हाफ की जो टर्म है स्टूडेंट्स वो थ्रू आउट द इक्वेशन जो है वो कैंसिल अप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरफ जो है वो कॉमन आ रही है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है यानी कि एम वन इंटू वी वन का स्क्वेयर माइनस वी वन प्राइम का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम टू इंटू वी टू प्राइम का स्क्वेयर माइनस वी टू का स्क्वेयर, यानी कि मैंने क्या किया है, अगेन मैंने एम वन और एम टू की टर्म्स जो है उनको सेपरेट कर लिया, यानी कि ये वाली टर्म को मैं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ और यहाँ इस वजह से माइनस का साइन आ गया, और इसी तरह मैं ये वही टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ। तो मैंने एम वन और एम टू की टर्म्स को जो है वो क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं यहाँ जो वी वन का स्क्वेयर माइनस वी वन प्राइम का स्क्वेयर है इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि एम वन, ठीक है, इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम इंटू वी वन प्लस वी वन प्राइम, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एम टू इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू इंटू वी टू प्राइम प्लस वी टू, ठीक है, यानी कि बिल्कुल यही फॉर्मूला मैंने यूज करते हुए जो है ये इस वाले जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ जो मैंने इसको ओपन किया है, अब ये मेरे पास इसको अगर मैं इक्वेशन टू का नाम दे देती हूँ, और मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी यानी कि जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाली थी यानी कि ये वाली टर्म, इसको मैं इक्वेशन वन का नाम देती हूँ। अब मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में क्या करने जा रही हूँ, डिवाइड करने जा रही हूँ। अब इनकी डिवीजन यानी कि डिवाइड कर रही हूँ मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये डिवाइड का मैंने साइन डाल दिया है, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, ठीक है। अच्छा, अब जब टू को मैं डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स वन से, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, एंड रिजल्ट आ रहा है वो आप कुछ इस तरह से आ रहा है कि एम वन इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम इंटू वी वन प्लस वी वन प्राइम होल डिवाइडेड बाय, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। तो आप सिंपली इस तरह से जो है, मैं इसको पूरा स्टेप जो है आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, एम टू इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू, ठीक। अब ये देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है यानी कि M2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाली पूरी टर्म जो है, ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ये वाली जो टर्म है हमारे पास इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है और M1 से कैंसिल हो रहा है, तो एंड रिजल्ट जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास क्या बचता है, वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बचता है कि V1 प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल टू वी टू प्राइम प्लस वी टू, ये हमारे पास स्टूडेंट एंड रिजल्ट बचा है। और इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू वी टू प्राइम माइनस वी वन प्राइम। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है यानी कि इक्वेशन थ्री का नाम अगर मैं इसे दे दूँ, तो ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्टूडेंट्स हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं बिफोर द कोलिजन वो हमारे पास बराबर हैं रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा मतलब ये है कि जो इन दोनों में जो माइनस साइन जो आ रहा है रिलेटिव, यानी कि एक के मुताबिक आप दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि एम वन जो है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी वन थी और हमारे पास एम टू मैस की इनिशियल वेलोसिटी वी टू थी, इसी तरह हमारे पास वी टू प्राइम और वी वन प्राइम जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं हमारे पास मैसेज के लिए। तो हम देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन ये हमारे पास बराबर आ रही हैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन बराबर आ रही हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब ये जो चीज़ है यानी कि यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इक्वेशन जो हमने ये निकाली है,
तो इसमें थ्री के थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखें, ठीक है, और हमारे पास आप जो है इक्वेशन जो कि हमने इक्वेशन वन थी हमारे पास, मैं दोबारा से उसकी तरफ स्क्रॉल करने जा रही हूँ, इक्वेशन वन, ठीक है, ये इक्वेशन और इक्वेशन थ्री, अगर ये जो हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था, यानी कि हमारे पास जो दो बॉल्स थी, ठीक है, उनके हमें इनिशियल वेलोसिटीज वी वन और वी टू पता है और उनके मैसेज भी हमें नोन है, लेकिन उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज है यानी कि वी वन प्राइम और वी टू प्राइम जो है वो हमें अननोन है. तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को यूज करते हुए, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को यूज करते हुए हम जो है इनकी फाइनल वेलोसिटीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे.